हिमाचल में बीजेपी रिवाज बदलने के इरादे से मैदान में है और पार्टी अध्यक्ष से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सब ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दिया। आज प्रधानमंत्री की दो जनसभाएं हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मुद्दा हिमाचल की कई सीटों पर सबसे बड़ा फैक्टर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुवादी छवि है और रैलियों में इसी को लेकर लोगों की भीड़ जमा होती रही है। सोलन जिले के परवाड़ू में वोटर किस मुद्दे के आधार पर वोट डालने की तैयारी में है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राज नहीं रिवाज बदलने की बात करने वाली बीजेपी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में परंपरा को तोड़ने की बात कर रही है और परंपरा तोड़ करके सरकार को रिपीट करने की बात कर रही है। बीजेपी की कैंपेनिंग को अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में तो मोटा मोटी तीन मुद्दों पर बीजेपी की कैंपेनिंग टिकी हुई नजर आती है। पहला मुद्दा है विकास का, दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद का और तीसरा मुद्दा है हिंदुत्व का। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर खासा पॉपुलर नजर आ रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ जो है वो काफी संख्या में देखी जा रही है। मैं तो सोचता हूं कि बीजेपी ही आएगी क्योंकि उनका बहुमत भी है और पार्टी भी अच्छी है। मोदी के नेतृत्व में हो सकता है कि फूल फिर खिल सकता है हिमाचल प्रदेश में। मोदी जी के नेतृत्व में फूल दोबारा खिलेगा? यस यस। आपको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में फूल खिलेगा? बिल्कुल जी, क्यों नहीं खिलेगा। मोदी सरकार ऐसी है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, हमारी फौज के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे जयराम जी बहुत काम कर रहे हैं। धीरे धीरे चले हुआ है काम, एकदम से तो कुछ नहीं होएगा और मोदी सरकार जरूर आएगी जी। मुद्दा वोटर की देखो जी, वो मुद्दा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि आजकल जो हमारे यंग हैं, युवा हैं, वो पूरे ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमारे जो योगी जी आए हैं उसके लिए हमारा जो मनोबल बड़ा है और भी जोरों शोरों से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और योगी जी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी हैं उनके लिए हम दिन रात यहाँ काम करेंगे और आने वाले जो 12 तारीख है उसमें देखना अब भारी मतों से हमारी सरकार बन रही है। इसी के साथ हम उनको योगी जी को भी बोलना चाहेंगे, योगी जी को जय श्री राम। ये जय श्री राम चलेंगे या जयराम ठाकुर जी का विकास चलेगा? दोनों चलेगा जी। हाँ। जयराम जी भी चलेंगे और जय श्री राम भी चलेगा। जो राम को लाएंगे वो हम उनको लाएंगे। हाँ। हमारा तो ये रहेगा कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे सारे। हाँ। हिमाचल में बिल्कुल जैसे पहले हमारी सरकार बनी थी वैसे ही हम दोबारा से लाएंगे। ये बताइए कि क्या इस बार हवा किसकी बह रही है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? क्यों? बीजेपी की है जी। हाँ, 15 साल सैजल जी है, इस बार रिपीट करेंगे बीजेपी भी, तभी कुछ काम कार चलेगा, नहीं तो बेरोजगारी तो है ही है। जो है रिपीट करी तभी काम चलेगा, अगर जो सरकार चेंज नहीं हुई तो ये आगे तो क्या काम करें, कुछ भी नहीं होगा। क्या इस बार चुनाव में लग रहा है आपको? चुनाव बीजेपी की लहर ज्यादा इस बार है। अच्छा, क्यों बीजेपी की लहर है? बीजेपी जो है काम ठीक कर रही है। अच्छा, सेंटर में जो नरेंद्र मोदी वो भी काम ठीक कर रहे हैं, इसलिए हम अभी हमारा ये है बीजेपी को चुनेंगे हम। कैसा काम रहा 5 साल में बीजेपी का? ठीक ही रहा। तो अब परंपरा टूटेगी या सरकार बदलेगी? अभी तो मैं इधर का नहीं हूँ, मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हमारा तो MLA वो जीतेगा ही, 7 बार जीत चुका है, अब उसके लड़के को टिकट है, वो जीतेगा ही। यहाँ हिमाचल प्रदेश में राज्य में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी और किसकी बननी। क्यों लग रहा है साहब? मोदी अच्छा बंदा है। क्या इस बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार है रही धड़ाधड़, फूल का सत्यानाश हो गया। यहाँ करे ही कुछ नहीं उनने, यहाँ झूठ बोल रहे जो यहाँ बोल रहे। योगी की बात योगी ने वहाँ करा, यहाँ किया तो कुछ नहीं करा। यहाँ करके दिखाया ना योगी, ये छोटा सा राज्य ने संभाला गया अनुभव है। कांग्रेस की सरकार से क्या उम्मीद है बनेगी तो? वो सब कुछ उन्होंने पहले भी करे अब भी करेंगे। 70 साल राज उन्होंने ही कराया, उन्होंने ही कराया यहाँ सड़का पड़का, नहीं कुछ नहीं था इस हिमाचल में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।